आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रतीक वाला आपको सिखाऊंगी लेसन एजॉब्सफेबल। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें मैं सेकंड स्टोरी ले रही हूँ, द डॉग इन द मैंजर की। तो इसमें क्या है, मैंजर का मतलब होता है कि आप नीचे पिक्चर में देखोगे कि ऑक्स है। ऑक्स का जो यहाँ पे जिसके ऊपर डॉग खड़ा है ना, बॉक्स टाइप का दिखा रहे हैं, उसको मैंजर बोलते हैं, जिसके अंदर ऑक्स के लिए खाना रखा जाता है। ठीक है, उसके अंदर जो हे है मतलब ग्रास है। Once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down, he came to the manger of an ox and jumped onto the hay to rest. एक दिन क्या होता है कि कुत्ते को है ना, आप बोल सकते हो लेटना रहता है, आराम करना होता है, तो उसको कोई एक ऐसी जगह चाहिए हो जो अच्छी हो और कंफर्टेबल हो, तो वो कहाँ चला जाता है, मैंजर। मैंजर में मतलब जो मैं आपको नीचे इमेज में दिखाया जिसके ऊपर कुत्ता खड़ा है ना, वो है ना, वहां चला जाता है। वो किसका है, ऑक्स का है। वहां पे जाके वो जंप करता है और आराम से रहता है। ठीक है, It was very hot afternoon. After a while, the ox returned from the field. He had worked hard in the hot sun and was not quite hungry. अब देखो कैसा है कि जब वहां से आप बोल सकते हो ऑक्स काम करके आया है ना, तो उसको कैसा है ना, भूख लग रही थी, क्योंकि देखो वो धूप में दिन में ही काम करते हैं ना। जैसे आप बोल सकते हो गाय बैल जो है दिन में काम करते हैं खेत में, और आने के बाद उनको बोलते हैं थकान भी होती है और उनको खाना भी चाहिए होता है। जब वो खाना उसका कहाँ रहता है, मैंजर के अंदर घासों में रहता है। ठीक है, he stood in stall and was planning to eat the hay that was put in the manger for him. जो मैंने आपको बोला कि उसको पता ही था कि मेरा खाना कहाँ रखा गया, मैंजर के अंदर घास के अंदर रखा गया। However, when he reached the hay, the dog saw him. जैसे वो अपने मैंजर खाने के पास पहुंची तो उसने पहुंचा तो उसने वहां पे खाना, जब अपना हे देखा कि खाना तो है लेकिन उसके ऊपर कौन बैठा है, आप बोल सकते हो डॉग। स्टैंडिंग इन द मैंजर ही बिगेन टू बार्क लाउडली एट द ऑक्स। जब उसके ऑक्स उसके पास में गया तब डॉग ने उसको देखा तो डॉग उसके ऊपर क्या करने लगा, बार्क करने लगा, भौंकने लगा। ईच टाइम दैट द ऑक्स केम नियर द हे, द डॉग स्नार्ल्ड, बार्क्ड एंड स्नैप्ड एट द ऑक्स। ही वुड नॉट अलाउ द ऑक्स टू ईट हिज हे। अब जब भी वो बोलते ना ऑक्स उसके पास जा रहा है तो डॉग क्या कर रहा है, बार्क कर रहा है, और स्नार्ल्ड बोल सकते हो गरज रहा है ना, गुस्से में है, और बार्क मतलब भौंक रहा है, स्नैप्ड मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो काटने के लिए दौड़ा और झपट्टा मार रहा हो किसके ऊपर, ऑक्स के पास, क्योंकि ऑक्स को क्या करना है, खाना खाना है, क्योंकि उसके मैंजर के अंदर क्या है, हे है मतलब ग्रास है, और वहां पे ये जो डॉग है वो क्या कर रहा है, वहां पे रेस्ट कर रहा है। He would not allow the ox to eat his hay. वो उसको अलाउ ही नहीं कर रहा है कि उसको वो खाना खा ले, उसको समझ ही नहीं रहा है कि वो काम करके आया तो उसको भूख लगी है। Oxen are generally peace loving and patient animals, but finally the ox got upset and spoke firmly. अब देखो ये पता है कि जो ऑक्सन होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, एकदम पीस लविंग मतलब शांत एनिमल होते हैं, ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़े वाले होते हैं, और पेशेंट मतलब उसका धैर्य रखते हैं। लेकिन जब खाना नहीं मिलेगा कोई भी जानवर हो है ना, तो या अब बोलते हैं पिसंद अन्याय भी करो तो कितना झेलेगा, एक वक्त पे आवाज तो उठाएगा, लेकिन तू भी वो फॉर्मली बोलता है, झट्टापूर्वक बोलता है, डॉग इफ यू वांटेड टू शेयर माय डिनर विद मी आई वुड नॉट माइंड इट। अगर वो बोलता है कि अगर आपको मेरा ये डिनर मतलब ये खाना है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। बट यू नाइदर ईट द हे और नॉट अलाउ मी टू एंजॉय इट, है ना, या तो आप खा भी नहीं और मुझे खाने भी नहीं दे रहे हैं। इट इज ऑफ नो यूज टू यू, वो बोलते हैं ये आपके काम का नहीं है, आपने देखा है कुत्ता घास खाते हुए नहीं खाता है ना। देन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड, अरे फिर आप मुझे जो फेवरेट फूड है ना, सबका अपना अपना फेवरेट फूड था, तो ऑक्सन का ये ऑक्स का क्या था फेवरेट फूड, ये है था घास थी, तो उसको खाने क्यों नहीं दे रहे हो। तो इसमें एज ऑफ एबल का जो सेकंड वाला जो मैसेज है वो ये, डोंट बिग्रज अदर्स व्हाट यू डोंट एंजॉय योरसेल्फ। इसका मतलब ये है कि अगर वो चीज आपके काम की नहीं है और दूसरे के लिए वो बोलते हैं महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है, तो वो उसके लिए रहने दे, उसे परेशान ना करें, अपना समय को बर्बाद ना करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, यूट्यूब पे देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को फॉलो करेगा। थैंक यू।